अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल। उम्मीद करता हूँ सब फेरे से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे होंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, काइंडली जरा सपोर्ट करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे विराट कोहली की सेंचुरी। विराट कोहली की सेंचुरी को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और जो है बहुत बड़ी इनिंग खेली और मैच जितवाया। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं भाई विराट कोहली ने बहुत स्लो इनिंग खेली, बहुत स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेला और लग रहा था कि सेल्फिश इनिंग खेल रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं, इसमें मेरी क्या राय है मैं बात करूंगा और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा आप क्या समझते हैं कि विराट कोहली ने जो इनिंग खेली जो 100 बनाया वो कैसा लगा आपको, आपको बड़ी इनिंग लगी या आपको स्लो लगा, आप भी बताइएगा। भाई मुझे ये लगता है कि विराट कोहली ने बहुत ही सेल्फिश इनिंग खेली। जिस लेवल का वो प्लेयर है, जिस लेवल का वो खिलाड़ी है, उसको इस तरह की इनिंग सूट नहीं करती। मतलब 120 बॉलों पे आपने 101 रन बनाए, मतलब इस तरह की इनिंग जो है विराट कोहली पे सूट नहीं करती, इतना स्लो खेलना। माना कि आपकी सेंचुरी है 49th की सेंचुरी और आप एक जो है रिकॉर्ड बराबर करने जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप जो है सब चीजें भूल के, अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीत जाता तो फिर सारी बुराई आ जाती विराट कोहली पे क्योंकि उसने स्लो खेला। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया के बॉलर से बहुत अच्छी बॉलिंग की और साउथ अफ्रीका, यार साउथ अफ्रीका का समझ नहीं आया। खैर इस बात में बात करेंगे, तभी हम बात करें विराट कोहली की। विराट कोहली की इनिंग में आप ये देखें कि एक भी छक्का नहीं है। सबसे पहली चीज कि विराट कोहली की इनिंग में एक भी छक्का नहीं है, सारे चौके उसने मेरे ख्याल से 6-7 मारे, बाकी सिंगल डबल। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो विराट कोहली खेल रहा है, जैसे विराट कोहली पहचाने जाते हैं, जैसे वो खेलते हैं ऐसा लगा ही कहीं से कि विराट कोहली खेल रहा है। जिस तरह वो छक्के लगाते हैं, कलाई चलाते हैं अपनी और बैकफुट पे छक्के मारते हैं, कहीं नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि यार ये डर के खेल रहे हैं या बस अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे हैं। तो मुझे कैसा लगा, आपको क्या लगा आप भी बताइएगा, आपकी राय जरूर हम जानेंगे, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बात करें, देखें यहाँ पे फिर कंपेरिजन आप करते हैं, फिर वो करना पड़ता है, वो मजबूर हो गया, मुझे करना पड़ता है कि यही इनिंग अगर बाबर खेले तो सारे उसके पीछे ले जाते हैं, भाई ये स्लो खेल रहा है, स्ट्राइक रेट देखो कैसा खेला। हमारे अपने ही हमारे पाकिस्तानी मीडिया वाले जिनको जिन्होंने खुद कभी जो है 80 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से नहीं खेला, वो भी ऐसी बातें करते हैं। जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं या हम अपने पाकिस्तानी मीडिया की बात करें जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, वो बाबर पे क्रिटिसाइज करते हैं कि बाबर स्लो खेल रहा है, बाबर स्लो खेलता है। यार तो ये क्या है, और इसकी आप तारीफ कर रहे हैं, आपको बड़ी नहीं लग रही है? मतलब यार ये क्या दौरा में आ रहे हैं? अगर बाबर ही स्लो खेले तो आपको स्लो लगता है और बेकार है और यूं है, इसे खेला नहीं जाता, मारा नहीं जाता, एक छक्का नहीं मारा, और कोहली खेले तो वाह 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 जी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेजेंड है कोहली ये है, तो उसकी स्लो इनिंग आपको जो है वो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बैलेंस करेंगे। बहरहाल मुझे तो कोहली की इनिंग बहुत स्लो लगी, तेज खेलना चाहिए था भाई, जैसा आपका नाम है ऐसा खेलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप 49 की सेंचुरी मारे तो आप इतना स्लो जाए कि छक्का ना मारे और आप 120 बॉल पे 100 बनाए। तो गाइस आपकी क्या राय है कोहली के बारे में, इससे सेल्फिश इनिंग खेली या नहीं खेली, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। अब जो टीम 400 बना रही है, 450 बना रही है, उससे पता नहीं क्या हो गया इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ। मतलब ये समझ नहीं आ रहा, ऐसे कौन से बॉलर डाले भाई। मैं बात करूं और भी टीम है जिन्होंने 400 प्लस बनाए, 350 बनाए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 150, इंडिया के खिलाफ 100। और अब आप और आप लेटेस्ट देखें जी, हमारे साउथ अफ्रीका जिस जो इतना मार दी, जो हर टीम को इतना धोरी है, उसने जो है 70 रन पे आउट हो गई। मतलब मैं ये समझ से बाहर है कि ऐसी क्या बॉलिंग लाइन है इंडिया की कि मुझे समझ से, मतलब सिराज हो गया, शामी हो गए, इतने बड़े बॉलर को नहीं थे भाई। चलो माना कि बुमराह अच्छा बॉलर है, लेकिन बाकियों को एकदम से क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा, 5-6 मिनट। तो भाई आप भी बताइएगा भाई ये बॉलिंग क्या हो रही है, किस तरह ये बॉलिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए दुनिया के माने हुए बॉलर, मिस्टर स्टार्क की बात करूं, मैं बात करूं वुड की, मैं बात करूं कमिंस की बात करूं, ठीक है, और बड़े बड़े शाहीन आफरीदी की बात करूं, ये एक बड़े नाम है। मतलब वो ऐसा कूट रहे हैं और 350 रन खा रहे हैं, लेकिन जहां बात आती है शामी और आता है कि सिराज, आता है कि भाई समझ नहीं आती कि क्या पिच ऐसी क्या हो गई, बॉलिंग ऐसी क्या हो गई, कुछ समझ से बाहर है भाई। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड में मैं विराट कोहली को बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन जो है भाई, बड़ी बात है 49 आपका जो 100 था, ये कोई छोटी बात नहीं है, एक लेजेंड कर सकता है। लेकिन हम बात जो लेकिन मैंने बात की स्लो की, वो इससे ताल्लुक नहीं है क्योंकि लेजेंड तो है। तो गाइस होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।